वेलकम बैक टू माइक्रोफ्ट टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, या इसको ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को शॉर्ट में कहते हैं ETC। ये जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और साथ ही साथ इस बार जो BSc MSc के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो भी MCQ बेस्ड हो रहे हैं तो उनके लिए भी, और साथ ही साथ NIT, ICMR, JRF, साइंटिस्ट भी, CSIR, NET, DBT, JRF, BHU, JNU, SIB, TIFR या फिर MSc एंट्रेंस के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल साइटोक्रोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कौन सा टर्मिनल साइटोक्रोम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन को। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है वो उसमें क्या होता है, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिकली। ओके, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से कौन एंट्री करता है, NED एंट्री करते हैं, और सेकेंड से एंट्री करता है FED। ओके, ये थोड़ा सा हाईलाइट दिया है मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिससे आपको थोड़ा याद आ जाए उसके बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। और क्वेश्चन क्या था कि टर्मिनल साइटोक्रोम कौन सा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए किसको, ऑक्सीजन को। तो ये होता है हमारा साइटोक्रोम A3। कौन सा होता है, साइटोक्रोम A3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का। तो ऑप्शन है यहाँ पर NADH डीहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम AA3, साइटोक्रोम BC1, एंड डी है ऑप्शन ATP सिंथेस। तो इनमें से जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का वो होता है NADH डीहाइड्रोजिनेस। क्यों होता है, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 उससे NAD एंट्री करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, NADH डीहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स 3rd ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इनमें से कौन सा है जो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है या 3rd कॉम्प्लेक्स है, C3 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। यहाँ पर ऑप्शन है NADH डीहाइड्रोजिनेज, ये तो पहले वाला ही है, साइटोक्रोम AA3, साइटोक्रोम BC1, ATP सिंथेटिस। तो ये होता है साइटोक्रोम BC3, क्या है, यस साइटोक्रोम BC3 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो साइटोक्रोम है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, लाइजोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ, किसकी, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनमें ये कहाँ, क्योंकि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है तो उसमें हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भी कौन सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसमें आप देखते हैं ना एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, और ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये जो अप एंड डाउन्स जो ऐसे बने हुए होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ओके, तो क्रिस्टी में प्रेजेंट होता है क्या, साइटोक्रोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो किसकी फॉर्मेशन, मतलब किसकी फॉर्मेशन से होता है, तो किसकी या फिर किसकी क्या उसकी फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी हम कह सकते हैं बेसिकली। ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑक्सीजन, बी ADP, सी है NADH, एंड डी है ATP प्लस H2O। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट होता है ATP प्लस, सॉरी यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का रिजल्ट होता है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, का रिजल्ट कौन होता है, इसका रिजल्ट होता है ATP प्लस H2O, यानी कि ATP फॉर्मेशन होता है एंड साथ ही साथ क्या बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स डज नॉट अकाउंट फॉर द पंपिंग आउट ऑफ मतलब ऑफ प्रोटोन, पंप आउट नहीं करता है किसको, प्रोटॉन्स को फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, किससे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये फोर कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH एंटर होता है, देन सेकेंड से FADH एंटर होता है, और यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, बीच बीच में अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी जैसे आपने देखा था BCAA साइटोक्रोम BC है ना, ऐसे कर करके अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर बाहर क्या निकलते रहते हैं, प्रोटॉन पंप होते रहते हैं, जो कि आगे जा करके ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन ही क्या है, अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो क्या नहीं कर रहा है, प्रोटॉन को पंप नहीं कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, यानी कि आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनमें से कॉम्प्लेक्स सेकंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ऑप्शन है NADH डिहाइड्रोजिनेस, बी ऑप्शन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, देन साइटोक्रोम BC1 एंड डी है ATP सिंथेस। तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस नाम है उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा सही है बिल्कुल साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी, इट पम्प्स टू प्रोटॉन्स आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि इनमें से कौन सा सही है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के लिए, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स किसको, ऑक्सीजन को, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम सी से, ये पम्प करता है टू प्रोटॉन किससे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, या फिर ये सभी। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ वन हैविंग हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसमें क्या है, जिसका क्या होता है हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। ऑप्शन है यूबिक्विनोन, ऑक्सीजन, FMN और NAD। तो यहाँ पर है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, साइटोक्रोम बी, कोएंजाइम क्यू, FMN और FAD। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी ही क्या कर रहा है, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना।